होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टेटर इक्वल टू इवन बाय टू, इवन बाय टू में आ जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टेटर सीरीज टर्न पर फेज डिवाइड बाय इफेक्टिव नंबर ऑफ रोटर सीरीज टर्न पर फेज। पर फेज जनरेटेड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट रेफर टू द स्टेटर साइड क्या होगा ई टू डैश इक्वल टू ए टाइम्स ई टू। पर फेज रोटर करंट रेफर टू द स्टेटर साइड क्या होगा आई टू डैश इक्वल टू आई टू बाई ए। पर फेज रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू द स्टेटर साइड क्या होगा आर टू डैश इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर टू। पर फेज रोटर लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू द स्टेटर साइड होगा एक्स टू डैश इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स टू। आर वन आर टू है पर फेज स्टेटर रोटर रेजिस्टेंस है, एक्स वन एक्स टू है पर फेज स्टेटर और लीकेज रिएक्टेंस एट डिस्टेंट स्टिल। इक्विवेलेंट सर्किट का हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट में जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है उसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, बाकी सर्किट है हमारे पास में सेम रहता है। जो मैग्नेटिक ब्रांच में से आर को हम डाइवर्ट करते हैं। ऑल द रोटर क्वांटिटी हैज बीन रेफर्ड टू द स्टेटर साइड, तो स्टेटर साइड हम रोटर क्वांटिटी को ले आते हैं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बना देते हैं इसका, यानी इसको हटा के जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हटा के इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना दिया है। ये जे टी एच आर टी एच हो जाएगा और ये जे एक्स टू आर टू है। फिर थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी के बीच में थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा बी टी एच इक्वल टू बी वन डिवाइड बाई आर वन प्लस जे एक्स वन प्लस एक्स फाइव, ए और बी पॉइंट के बीच में बी टी एच हो जाएगा इंटू जे फाइव वन जे एक्स फाइव वन। थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस अक्रॉस पॉइंट ए और बी के बीच में क्या होगा जेड टी एच इक्वल टू आर वन प्लस जे एक्स वन इंटू जे एक्स फाइव डिवाइड बाई आर वन प्लस जे एक्स वन प्लस एक्स फाइव इक्वल टू आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच। फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी नेग्लेक्टिंग आर वन एज आर वन की वैल्यू है लेस देन होगी एक्स वन प्लस एक्स फाइव से, तो आर टी एच की जो वैल्यू है आर टी एच की वैल्यू आर वन एक्स फाइव डिवाइड बाई एक्स है, एक्स टी एच की वैल्यू है एक्स वन एक्स फाइव डिवाइड बाई एक्स, एक्स फाइव है मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, एक्स फाइव मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और बी वन है स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज, एक्स की वैल्यू है एक्स वन प्लस एक्स फाइव। अब देखते हैं टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क क्या होती है टी इक्वल टू के वन डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर टू डैश बाई एस न्यूटन प्रति मीटर। तो के टी की जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली के टी की वैल्यू थ्री बी टी एच स्क्वायर बाई ओमेगा हो जाएगी एंड एक्स वन की वैल्यू है एक्स टू डैश प्लस एक्स टी एच। फिर मैक्सिमम टॉर्क इंटरनल टॉर्क, मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क क्या होगी के टी डिवाइड बाई टू आर टी एच प्लस अंडर रूट आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर, तो ये मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क हो जाएगी। फिर मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क इज आल्सो रेफर्ड एज स्टैंड स्टिल टॉर्क है और पुल आउट टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क भी इसे कहते हैं। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप क्या होगी स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क आर टू डैश डिवाइड बाई आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर है, ये स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क होगी। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू के टी डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर टू डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर इंटू आर टू डैश। फिर मोटर टॉर्क इन टर्म ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, मोटर टॉर्क क्या होगी मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में टी इक्वल टू टू टी एम डिवाइड बाई एच टी एम डिवाइड बाई एस प्लस एस डिवाइड बाई एस टी एम, ये हो जाएगी मोटर टॉर्क इन टर्म ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। फिर टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या होगी टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगी थ्री बी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई जो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है, टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड यहाँ पर है थ्री बी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर टू डैश वन माइनस एस का होल स्क्वायर वन माइनस एस बाई एस का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर।
आर टू डैश वन माइनस एच डिवाइड बाई एच से हम निकाल लेंगे। स्लिप एट मैक्सिमम पावर क्या होगी, स्लिप होगी मैक्सिमम पावर पर आर टू डैश डिवाइड बाई अंडर रूट आर टू एच आर टी एच प्लस आर टू डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस आर टू डैश। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर, पावर मैक्सिमम क्या होगी, थ्री बी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर टी एच प्लस आर टू डैश प्लस आर टी एच प्लस आर टू डैश का प्लस अंडर रूट में आ जाएगा ये एक्स वन स्क्वायर। पी एम जो मैक्सिमम है डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस आर टू डैश वेयर टी एम डज नॉट, जो मैक्सिमम पावर है वो किस पर डिपेंड करती है, आर टू डैश पर डिपेंड करती है, लेकिन टॉर्क है वो इस पर डिपेंड नहीं करती है। एट स्टार्टिंग इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जीरो, स्टार्टिंग के अंदर जो इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप है वो जीरो होगा। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम इंडक्टर जनरेटर द रोटर स्पीड इक्वल टू एन आर इक्वल टू एन एस वन प्लस आर टू टू डैश डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर टू डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस आर टू डैश। तो इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आई टू स्टार्टिंग के अंदर डिवाइड बाई आई टू इक्वल टू वन प्लस एस एम टी, तो ये एस एम टी है वन प्लस एस एम टी है मैक्सिमम डिवाइड बाई एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एस एस एम का स्क्वायर इंटू टी। आई टू एम टी डिवाइड बाई आई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू वन प्लस आई एस एम टी डिवाइड बाई एस का होल स्क्वायर, तो ये आई टू एस टी है स्टेटर लोड कंपोनेंट ऑफ करंट एट स्टार्टिंग, आई टू एम टी है स्टेटर लोड कंपोनेंट ऑफ करंट एट मैक्सिमम टॉर्क। फिर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हम करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, आई वन बार है, आई वन बार की वैल्यू है, तो ये हो जाएगी आई वन बार की वैल्यू आई नॉट बार, ये हो जाएगी जे एक्स टू डिवाइड बाई जे एक्स टू आर सी, ये बी सी यानी वोल्टेज हो जाएगा। तो आई टू डैश और बी बार, तो आर वन प्लस आर टू डैश बाई एस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन प्लस एक्स टू डैश, तो आई टू डैश की वैल्यू हो जाएगी बी डिवाइड बाई अंडर रूट आर वन प्लस आर डैश आर एस डैश डिवाइड बाई एस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू थ्री बाई ओमेगा एस बी स्क्वायर आर टू डैश बाई एस डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू डैश बाई एस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, स्टार्टिंग टॉर्क थ्री बाई ओमेगा एस, स्टार्टिंग टॉर्क होगी थ्री बाई ओमेगा एस बी स्क्वायर आर टू डैश डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी, टी एम इक्वल टू थ्री बाई ओमेगा एस बी स्क्वायर बाई टू एक्स टू डैश। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी, आर टू डैश डिवाइड बाई एक्स टू डैश यानी आर टू बाई एक्स टू, ये स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क होगी। रिमेम्बर ये यहाँ पर जैसे कि मैक्सिमम स्लिप होती है वो वन होती है, लो स्लिप में मैक्सिमम जीरो होती है, तो मैक्सिमम स्लिप में टॉर्क होती है वन बाई एस के प्रोपोर्शनल, और लो स्लिप होगी तो टॉर्क है डायरेक्टली स्लिप के प्रोपोर्शनल होती है। तो टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि यहाँ पर देखें कि स्लिप अगर वन है तो टॉर्क मैक्सिमम, स्लिप अगर जीरो है तो टॉर्क मैक्सिमम है, तो स्लिप में स्लिप अगर जीरो है यहाँ पर, स्लिप अगर जीरो है तो टॉर्क यहाँ पर स्टार्टिंग होगी, फिर ये इंक्रीज होगी, स्टार्टिंग टॉर्क है इंक्रीज होगी, ये ब्रेक डाउन टॉर्क हो जाएगी, यहाँ से ज्यादा टॉर्क इंक्रीज नहीं करेगी। फिर फुल लोड ऑपरेशन पॉइंट आ जाएगा, ये वाला फुल लोड ऑपरेशन पॉइंट, ये नो लोड के अंदर ये एस मैक्सिमम है, टॉर्क मैक्सिमम है, अगर स्लिप की वैल्यू वन से ज्यादा है तो वो मोटर कोई भी काम करेगी वो ब्रेकिंग बोर्ड में काम करेगी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। स्लिप की वैल्यू एक से ज्यादा होते ही मोटर ब्रेकिंग मोड में काम करेगी, स्लिप की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगी तब मोटर मोटरिंग मोड में काम करेगी, अगर स्लिप की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो जनरेटर की तरह मोटर काम करने लग जाएगी। फिर है जो हमें यहाँ पर बातें हैं वो याद रखने लायक हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो जो टी एम मैक्सिमम टॉर्क होती है वो वन बाई फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है,
Pm की वैल्यू होगी वो 1 बाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। दूसरा है जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो 1 बाई फ्रीक्वेंसी के पावर 3 के समानुपाती होती है स्टार्टिंग टॉर्क। और तीसरा है एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस एस डिवाइड बाई 1 प्लस एस, एफ होगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और एस है यहाँ पर स्लिप। तो ये तीनों फार्मूला इंपोर्टेंट है। फिर है डिटरमाइनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, नो लोड टेस्ट से, ब्लॉक रोटर टेस्ट से किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट में द टेस्ट परफॉर्म एट रेटेड वोल्टेज टू डिटरमाइन, तो यहां पर जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा नो लोड टेस्ट, टेस्ट परफॉर्म एट रेटेड वोल्टेज टू डिटरमाइन, रेटेड वोल्टेज पर क्या डिटरमाइन करने के लिए आयरन लॉसेज एट रेटेड वोल्टेज डिपेंड करना, तो हम नो लोड टेस्ट करेंगे यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। और दूसरा है शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड करना है तो हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। शंट ब्रांच पैरामीटर में हमारे पास में आता है आर सी और एक्स ए, तो यहाँ पर आई आउटपुट नो लोड करंट हो जाएगी, बी रेटेड वोल्टेज अप्लाई टू द स्टेटर और पी आई है रेटेड लॉसेज बाय द वाट आवर मीटर। तो आर सी की वैल्यू है बी स्क्वायर बाई पी आई, तो जी सी इक्वल टू 1 बाई आर सी हो जाएगा। अब है जेड आउटपुट, जेड आउटपुट क्या है, आर सी पैरेलल टू जे एक्स फाई, ये होता है जेड आउटपुट, जेड आउटपुट इक्वल टू आर सी पैरेलल टू जेड जे एक्स फाई। तो बाई आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई जेड आउटपुट यानी जी सी माइनस के जे बी फाई, बाई आउटपुट इक्वल टू आई आउटपुट फाई आई आउटपुट बाई बी, तो बी फाई की वैल्यू है अंडर रूट बाई आउटपुट स्क्वायर माइनस जी सी, एक्स फाई की वैल्यू है 1 बाई बी फाई हो जाएगी। ब्लॉक रोटर टेस्ट हम देखते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है, सप्लाई इज गिवन बट द रोटर इज ब्लॉक्ड टू रोटेट मैकेनिकली, ब्लॉक रोटर टेस्ट में सप्लाई इज गिवन बट द रोटर इज ब्लॉक्ड टू रोटर मैकेनिकली, दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन द कॉपर लॉसेज एट रेटेड करंट, दिस टेस्ट इज परफॉर्म एट रेटेड करंट कंडीशन, रेटेड करंट कंडीशन पर ये टेस्ट है वो परफॉर्म होता है। बी एस सी इक्वल टू आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है आर वन प्लस आर टू डैश एच, तो यहाँ पर आई एस सी है रेटेड करंट होगी, बी एस सी है वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट आई एस सी व्हेन रोटर इज ब्लॉक्ड, और पी एस सी होती है टोटल कॉपर लॉस ऑन फुल लोड एट स्टैंड स्टिल, तो ये होती है पी एस सी टोटल कॉपर लॉसेज ऑन फुल लोड एट स्टैंड स्टिल। और आर की वैल्यू है पी एस सी वाई आई एस सी स्क्वायर से लेते हैं, जेड एस सी है बी एस सी वाई आई एस सी से लेते हैं, एक्स की वैल्यू है अंडर रूट जेड एस सी स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर से लेते हैं। इन ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन रिड्यूस वोल्टेज अप टू 50%, तो यहाँ पर ब्लॉक रोटर कंडीशन में क्या होगा, ब्लॉक रोटर कंडीशन में रिड्यूस वोल्टेज अप टू 50% ऑफ रेटेड इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द रेटेड करंट, ब्लॉक रोटर कंडीशन में हमें वोल्टेज को 50% तक रिड्यूस करना पड़ेगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं, किस लिए चलाया जाता है ब्लॉक रोटर टेस्ट, कॉपर लॉसेज रेटेड करंट पर हमें फाइंड करनी हो तो ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं, रेटेड करंट कंडीशन में हम इसको कंफर्म करेंगे। फिर स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, दो मेथड है हमारे पास में, ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, और एक और जो मेथड है वो है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग से भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन से स्टार्ट करने का क्या फायदा है, टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट इफ द वोल्टेज इज रिड्यूस बाय फ्रैक्शनल एक्स देन द स्टार्टिंग करंट इज आल्सो रिड्यूस बाय फ्रैक्शनल एक्स बट द स्टार्टिंग टॉर्क गेट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बाय फैक्टर एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर हमें स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट इफ वोल्टेज इज रिड्यूस बाय फ्रैक्शनल एक्स द स्टार्टिंग करंट इज आल्सो रिड्यूस बाय द फ्रैक्शनल, अगर वोल्टेज एक्स फ्रैक्शन से रिड्यूस हो गया है तो स्टार्टिंग करंट है वो भी एक्स फ्रैक्शनल से रिड्यूस जाएगी।
द स्टार्टिंग टॉर्क गेट्स रिड्यूज सिग्निफिकेंटली बाई ए फैक्टर एक्स स्क्वायर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग करंट फ्रॉम सप्लाई एंड टॉर्क आर रिड्यूज बाई सेम फैक्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बोथ स्टार्टिंग एंड करंट फ्रॉम द सप्लाई एंड टॉर्क आर रिड्यूज बाई सेम फैक्टर। इसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू है 1/√3 है, रिजल्ट आर सेम एज स्टार और डेल्टा। इसमें एक्स की वैल्यू है 1/√3 होगी, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में इन दिस डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग एज डेल्टा कनेक्टेड, स्टार्टिंग एज डेल्टा कनेक्टेड एंड मोटर पिकअप द स्पीड ऑफ कनेक्शन आर चेंज टू डेल्टा, दैट इज इट रन्स एट ए डेल्टा कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड एट स्टार कनेक्टेड, बोथ द स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क आर रिड्यूज बाई फैक्टर ऑफ 1/3। तो यहाँ पर जो डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर होगी उसमें इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड एट स्टार कनेक्टेड, बोथ द स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क आर रिड्यूज बाई फैक्टर ऑफ 1/3। By increasing the rotor resistance, starting torque increase, but maximum torque remain unchanged. अगर हम rotor resistance को increase कर देते हैं तो starting torque है वो increase जाएगी, लेकिन maximum torque है वो unchanged रहेगी। Speed control of induction motor, induction motor की speed control हम कैसे कर सकते हैं? Rotor speed of induction motor is controlled by NR equal to NS1-S, तो ये हो जाएगी रोटर स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। रोटर स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्लिप कंट्रोल टेक्निक, स्लिप कंट्रोल टेक्निक से हम रोटर स्पीड है कंट्रोल कर सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक, स्लिप कंट्रोल टेक्निक में टी इक्वल टू है SV²/R है, वेयर टी रिमेन कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर टी की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट होगी। फिर है वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक, वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग, इन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होती है, इंडक्शन मोटर एंड स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। रोटर रेजिस्टेंस मेथड है ओनली SRIM में होता है रोटर रेजिस्टेंस मेथड, रोटर EMF इंजेक्शन मेथड है ओनली SRIM होगा। सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक, सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक में NS=120 f/P से सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक होगी, NR=NS1-S, तो ये NR की स्पीड होगी यानी कि रोटर स्पीड होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक है, सिंक्रोनस स्पीड को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक में एप्लीकेशन इन बोथ इंडक्शन मोटर, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक है वो एप्लीकेबल है दोनों इंडक्शन मोटर के अंदर। पोल चेंजिंग टेक्निक है ओनली स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हम पोल टेक्निक चेंज है यूज कर सकते हैं। कैस्केडिंग ऑफ टू इंडक्शन मोटर, टू इंडक्शन मोटर में कैस्केडिंग करनी है, इन दिस मेथड इंडक्शन मोटर मस्ट बी SRIM बाइल अदर कैन आइदर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हो सकती है। कॉगिंग हम देखते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट इन दी स्टेटर है S1, नंबर ऑफ स्लॉट इन दी रोटर है वो S2 है। इन आइदर S1 और S2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर देन दी स्टेटर टीथ एंड दी रोटर टीथ विच आर एक्चुअली पैरेलल may develop very strong alignment force at the time of start and therefore the induction motor may fail to start with rotor teeth blocked against the stator teeth, the phenomena is known as cogging. The cogging क्या होती है? In either S1 or S2 the internal multiple of each other than the stator teeth and rotor teeth विच आर एक्चुअली पैरेलल, स्टेटर टीथ है और रोटर टीथ है दोनों पैरेलल होंगे एक्चुअली, मे डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट,
may develop very strong alignment force at time of start and therefore the induction motor may fall to start and rotor teeth block against the stator teeth. इस वजह से कॉगिंग हो जाएगी यहाँ पर. अगर हम इसको थोड़ा हिंदी में समझे तो क्या है कि स्टेटर में जो स्लॉट है वो S1 है, रोटर में स्लॉट है वो S2 है. अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो मल्टीपल पाथ है ईच अदर, दोनों के बीच में जो मल्टीपल पाथ है, स्टेटर के टीथ और रोटर के टीथ, वो एक्चुअली पैरेलल है. जब वो वेरी स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, अलाइनमेंटली कनेक्ट हो जाएंगे, तो टाइम ऑफ स्टार्ट एंड फोर्स एट ऑल द टाइम ऑफ स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में वो स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएंगे. तो क्या है, स्पीड है, जैसे कि दोनों इस तरीके से कनेक्ट हैं. अगर उनकी स्पीड भी सेम हो जाती है तो क्या है, ये सेम स्पीड से घूमने लग जाएंगे. सेम स्पीड से घूमने की लगने की वजह से इंडक्शन मोटर है स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए तभी मोटर स्टार्ट होती है. इस वजह से रोटर टीथ है स्टेटर टीथ से ब्लॉक हो जाएंगे, यानी हर कोई टीथ है एक स्टेटर टीथ को पकड़ लेगा रोटर का टीथ. इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉगिंग. क्राउलिंग क्या होता है, द एयर गैप फ्लक्स इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंटेन ए हार्मोनिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6N प्लस माइनस 1, देन क्रिएट पैरास्टेटिक टॉर्क ड्यू टू दीज हार्मोनिक्स, मोटर कंटिन्यू टू रोटेट स्टेडली एट स्पीड n मच लेस देन द फुल लोड स्पीड. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉलिंग. तो जो फुल लोड स्पीड है उससे बहुत कम स्पीड पर मोटर है रन करने लगती है. किसकी वजह से, एयर गैप फ्लक्स इन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंटेन हार्मोनिक, जो एयर गैप फ्लक्स होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उसके अंदर हार्मोनिक्स होते हैं, इन ऑर्डर टू 6N प्लस माइनस 1 इस ऑर्डर के हार्मोनिक्स होते हैं, वो क्या है, पॉजिटिव टॉर्क क्रिएट करते हैं. इस वजह से ये हार्मोनिक्स क्या है, मोटर को कंटिन्यू, मोटर कंटिन्यू टू रोटेट स्टेडली एट स्पीड n मच लेस देन द फुल लोड स्पीड. फुल लोड स्पीड से लेस देन स्पीड पर ये हार्मोनिक्स की वजह से रन करेगी. इस वजह से इस फिनोमेना को क्रॉलिंग कहते हैं. कॉगिंग एंड क्रॉलिंग फिनोमेना आर यूजुअली नॉट एनकाउंटर्ड इन द SRIM एज देयर स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई एनफ टू एक्सीलरेट इट. क्योंकि एक्सीलरेटिंग स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है, इसलिए हम क्रॉलिंग और कॉगिंग दोनों फिनोमेना को हम काउंटर नहीं करते हैं. इसमें सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर के अंदर पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर वाइड बार रोटर का लेस देन होता है डीप बार रोटर से पावर फैक्टर, और उसका भी डीप बार रोटर का लेस देन होता है सेमी ओपन स्लॉट से, और सेमी ओपन स्लॉट का लेस देन होता है क्लोज्ड स्लॉट से. लीकेज फ्लक्स क्या होता है,